हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट जनरेशन एआई। आज से हम पांडाज ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। एंड पांडाज आपके डाटा साइंस जर्नी के लिए, आपके मशीन लर्निंग जर्नी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो प्लीज इस ट्यूटोरियल को अच्छे से फॉलो करना, हम स्टेप बाय स्टेप इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि पांडाज होता क्या है। सबसे पहले हम आज का एजेंडा देख लेते हैं। तो आज का एजेंडा हमारा क्या है, हम देखेंगे कि पांडाज क्या होता है, नंपाई एंड पांडाज में डिफरेंस क्या है, पांडाज डाटा स्ट्रक्चर, इंस्टॉलेशन, इंपोर्टिंग पांडाज एंड हाउ टू यूज पांडाज। सबसे पहले पांडाज, पांडाज इज अ पावरफुल पाइथन डाटा एनालिसिस टूल किट, अ फास्ट एंड इफिशियंट डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फॉर डाटा मैनिपुलेशन। पांडाज जो है सो बहुत ही पावरफुल पाइथन लाइब्रेरी है जिसे हम डाटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। जब आप डाटा साइंस पढ़ोगे, मशीन लर्निंग पढ़ोगे, तो आपको 70-80% जो होता है डाटा एनालिसिस का पार्ट ही होता है। तो उस डाटा एनालिसिस के पार्ट में आप पांडाज को ही यूज करोगे, तो इसीलिए इस ट्यूटोरियल सीरीज को अच्छे से फॉलो करना। नेक्स्ट है फास्ट एंड इफिशियंट डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फॉर डाटा मैनिपुलेशन। पांडाज जो होता है सो बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है एंड ये डाटा मैनिपुलेशन के लिए यूज किया जाता है, डाटा एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। एंड इसमें हम किसी भी टाइप के डाटा को रीड कर सकते हैं, जैसे कि सीएसवी फाइल को हम रीड कर सकते हैं, एक्सेल फाइल को रीड कर सकते हैं, टीएसवी, टेक्स्ट, एक्सएमएल, जेसॉन, जीप एंड और भी सारे फाइल को हम इसमें रीड कर सकते हैं पांडाज की मदद से। नेक्स्ट है पांडाज वर्सेस नंपाई। नंपाई जो हम यूज करते हैं वो एरे क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, पांडाज जो हम यूज करते हैं वो डाटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। तो नंपाई एंड पांडाज दोनों आपका पाइथन का लाइब्रेरी है एंड दोनों ही आपको डाटा एनालिसिस के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, तो इसीलिए इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करना। नेक्स्ट है गाइस इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन के लिए आप एनाकोंडा यूज कर सकते हो या फिर सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके आप पिप इंस्टॉल पांडाज कर सकते हो। पिप इंस्टॉल पांडाज से आपका पांडाज इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप एनाकोंडा है तो आपको कोई जरूरत नहीं इंस्टॉल करने की, ऑलरेडी एनाकोंडा में इंस्टॉल रहता है। तो हम सिंपल आपको अपना एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ एंड आपको शो करता हूँ। ये देखो सिंपल पाइथन नोटबुक हमारा ओपन हो जाएगा। ये हमारा जुपिटर नोटबुक का होम पेज है। अब हम सबसे पहले अपना पांडाज का फर्स्ट ओपन कर लेते हैं। ये हमारा पांडाज का पार्ट वन है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं पांडाज, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। आप जिस तरह से numpy में import numpy as np करते थे, उसी तरह इसमें pandas as pd करके आप इसे install sorry import कर सकते हो। and उससे पहले हम इस ये हमारा import हो चुका है। अब हम देखते हैं कि pandas series क्या होता है and pandas data frame क्या होता है। pandas series जो होता है सो एक one dimensional level array होता है and pandas data frame जो होता है सो two dimensional level array होता है। means pandas सीरीज जो है सो वन डायमेंशनल का होता है एंड पांडाज डाटा फ्रेम जो होता है सो टू डायमेंशनल का होता है। तो सबसे पहले मैं आपको पांडाज सीरीज क्रिएट करना सिखाता हूं। तो आप कोई भी वेरिएबल ए इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, ठीक है, एंड इसके अंदर आप एक लिस्ट लोगे 1 2 3 4, ठीक है। इसके अंदर हमने एक लिस्ट ले लिया एंड एक अलग से आप ले लोगे एनपी डॉट नैन। एनपी डॉट नैन क्या होता है, ये एक नैन वैल्यू है, मीन्स एम्प्टी वैल्यू, ये खाली होता है जब आप इसे रन करोगे। मैं इसे सिंपल पहले रन करता हूँ, सॉरी मैंने नंपाई को इंपोर्ट नहीं किया है, तो हम इसको नंपाई को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नंपाई एच एनपी। ये देखो ये अब हमारा रन हो चुका है। अब हम सिंपल इसे प्रिंट करेंगे ए। अब ये देखो हमारा फर्स्ट वैल्यू 1 है, सेकेंड वैल्यू 2 है, थर्ड 3 है, 4 है एंड जो लास्ट वैल्यू है ये हमारा नन वैल्यू है, ठीक है। मीन्स नन वैल्यू का मतलब है कि ये हमारा एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से हम डाटा को रीड करेंगे। अब हम मैं आपको डाटा को रीड करना सिखाता हूं। तो सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे एंड पी डी डॉट रीड एंड उसके बाद सी एस वी,
अगर आप CSV फाइल रीड कर रहे हो तो आप सिंपल CSV लिखोगे, आप एक्सेल फाइल रीड कर रहे हो तो CSV की जगह पे आप सिंपल एक्सेल फाइल लिखोगे, एंड जिस तरह का भी फाइल आप रीड कर रहे हो तो उसी तरह से सिंपल आप यहाँ पे नाम चेंज कर दोगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे MBA.CSV फाइल है मैं इसको रीड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपल इसमें लिखूंगा MBA.CSV। एंड गाइज, अगर आपका जो डाटा सेट है कहीं अलग है, जैसे कि आपका डाटा सेट यहाँ पे होम पेज में है, तो आप यहाँ से सिंपल इसका पाथ यहाँ से कॉपी कर लोगे एंड उसका फाइल का नाम दे देना। ठीक है, जैसे कि ये फ्लाइट प्राइस प्रेडिक्शन है, इसमें ये अगर आपका डाटा है तो सिंपल आप यहाँ से कॉपी कर लेना इसको, एंड जो आपका ट्रेन टेस्ट जो भी फाइल आप रीड करना चाहते हो सिंपल आप यहाँ से पाथ को कॉपी करके नाम दे सकते हो। तो मैं अभी सिंपल MBA.CSV को रीड कर रहा हूँ, तो हम सिंपल इसको रन करेंगे। यहाँ पे रन करके आप इसे देख सकते हो, हमारा डाटा डॉट हेड, हेड क्या करता है, हेड जो है सो हमारा टॉप फाइव वैल्यू को रीड करता है। ठीक है, टॉप फाइव वैल्यू को रीड करता है, अगर इसी में हम वैल्यू इसके अंदर 10 दे दे तो ये हमारा टॉप 10 वैल्यू को रीड कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हम डाटा को रीड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है कि मैं आपको शो करता हूँ कि ये देखो बहुत सारे नैन वैल्यू लिखा आ रहा है, ये नैन वैल्यू का मतलब होता है इम्प्टी वैल्यू, मीन्स ये जो यूजर थे जब ये डाटा फिल कर रहे थे तो ये डाटा को इन्होंने खाली छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसे कैसे चेक करते हैं मैं आपको डाटा एनालिसिस के और एडवांस पार्ट में आपको बताऊंगा, बट सिंपल आपको यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे डाटा डॉट इज नल, पांडाज में इज नल नाम का एक फंक्शन है जिससे आप रीड कर सकते हो जो भी आपका नैन वैल्यू है, तो आप सिंपल यहाँ से इज नल को ओके करोगे, सॉरी इज नल को आप रीड करोगे, तो ये देखो सारा आपका जो भी ट्रू ट्रू दिख रहा है ये आपका नल वैल्यू है, एंड फॉल्स है सो आपको शो कर रहा है कि नहीं ये वैल्यू नल नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपल एक सम फंक्शन का यूज करके इसे सम कर सकते हो कि आपका कितना वैल्यू नल है। ये देखो हमारा इतना वैल्यू नल आ रहा है, ये जो वैल्यू लिखा हुआ है 1754 ये आपका नल वैल्यू है। ठीक है, तो इसी तरह में हम डाटा एनालिसिस में पांडाज का काम करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम और बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड एडवांस तक जाएंगे। तो प्लीज गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।